There's news, there's sense and there's nuisance. This show is all about that last bit. इस हफ्ते टीवी न्यूज की दुनिया में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ, बिग खुलासा। वैसे हम लोग को तो ये सब पता ही था, टीवी न्यूसेंस टीम को ये सब पता था। हम इतने साल से यही बोल रहे हैं, जो हम इतने साल से बोल रहे हैं वो एक टीवी न्यूज के पत्रकार ने खुद ही बोल डाला ट्विटर पे। न्यूज नेशन के लखनऊ के रिपोर्टर ने एक वीडियो डाला जिसमें ही सेड थ्री थिंग्स। नंबर वन, न्यूज नेशन में मोदी योगी की जय करने को बोला जाता है, जय हो मोदी योगी, व्हाट अ सरप्राइज। नंबर टू, गलती से अगर आपको थोड़ी बहुत जर्नलिज्म करने का मन हो तो अपनी सारी भड़ास विपक्ष पे निकाले, राहुल से सवाल पूछें, मायावती से सवाल पूछें, अखिलेश से सवाल पूछ लीजिए। नंबर थ्री, मूल्यों पे न्यूज लाइए। यप, ही एक्चुअली सेड दैट, दिस इज व्हाट टीवी न्यूज हैज बीन रिड्यूस्ड टू। पत्रकार कहने में शर्माती अपने आप को, रिपोर्टर कहने में शर्माती, अब तो नौकर है, न्यूज चैनल की नौकरी कर रहे हैं। तो मसला ये है कि न्यूज नेशन में साफ इंस्ट्रक्शन है रिपोर्टर्स को, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, मोदी योगी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, भाजपा के किसी नेता के खिलाफ नहीं बोलना है। मन कर रहा है बोलने का किसी के खिलाफ या उसकी पॉलिसीज के खिलाफ, उसकी कार्यकलापों के खिलाफ या उसका सच्चाई बोलने का बहुत मन कर रहा है, तो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, इन सब की जितनी चाहे उतनी बैंड बजाओ, दिन रात हिंदू मुस्लिम का एजेंडा, हिंदू मुस्लिम लाओ, रोज मुसलमान नहीं कहा जाता, मुल्लों की स्टोरी लाओ यार, मुल्लों को पकड़ो, जाओ मुनव्वर राणा से कुछ बुलवाओ विवादित, देखो उस मुसलमान ने क्या बोल दिया, मदरसे में क्या हो रहा है। यूपी में मदरसों की आड़ में अब नहीं चलेगी जिहादी पाठशाला, फलाने मुस्लिम ने क्या बोल दिया, यानी मुस्लिम बेस्ड स्टोरी लाओ और उनसे कहलवाओ, जबरदस्ती स्टोरी क्रिएट करो, मुसलमानों के पास जाओ, जबरदस्ती कोई तो स्टोरी निकलवाओ, कुछ तो उगलवाओ मुसलमानों से ताकि एक हिंदू मुस्लिम पे अच्छी स्टोरी बन जाए। इफ यू टेक द थ्री पॉइंट्स दैट द न्यूज नेशन रिपोर्टर मेंशंस, देयर वोंट बी एनीथिंग लेफ्ट इन टीवी न्यूज। इन फैक्ट नॉट जस्ट न्यूज नेशन, दिस सीम्स टू बी द प्लेबुक इन ऑलमोस्ट एवरी चैनल नाउ। रूल नंबर वन, मोदी योगी की जय। एज वी रिकॉर्ड दिस शो, पीएम मोदी इज लीविंग फॉर उज़्बेकिस्तान फॉर द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। SCO was formed in 2001. The countries that will attend this summit are Russia, China, India, Pakistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, and Kazakhstan. This year's summit will be held in Samarkand and the permanent secretariat is in Beijing. Kya rakha hai in details mein? Danka to Modi ji ka hi bajega na? Babar ke desh mein Modi ka danka. Samarkand mein Modi ke 72 ghante kise lagenge jhatke? मोदी चाइनीज राष्ट्रपति की आंखों में आंखें डालकर इंडिया की बात रखेंगे। सच हम आपको बताते हैं कि कैसे मोदी ने चीन को घुटने पर लाने का काम किया। तैमूर के देश में मोदी मोदी। द PM had not even reached Samarkand, but channels had already started drilling this in your head that somehow this whole event, this whole summit is about Modi and how great he is. मतलब समिट के नाम में शंघाई है लेकिन बैकफुट पे चाइना है। And then you have cringe-worthy reporting like this. समरकंद में सेंट्रल एशिया को देखने के लिए पूरी दुनिया से पर्यटक भी आते हैं। यहीं पर हमें अर्जेंटीना से आए कुछ पर्यटक मिले, वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी को भी जानते थे और गांधी को भी पसंद करते थे। अच्छा, मोदी को जानते हैं? जीके अच्छा होगा इन लोगों का, unlike kids in madrasa. We'll come back to that later. Just listen in first. We like Mahatma Gandhi. You like Mahatma Gandhi? Great. In our country is very important person. Funny. I heard her say she likes Gandhi. But see how the ABP News reporter interprets this conversation. भारत के मोदी और गांधी की चर्चा उज़्बेकिस्तान के समरकंद में अर्जेंटीना के पर्यटक कर रहे हैं। इससे ज्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है? भारत के मोदी की चर्चा तो मैंने नहीं सुनी, गांधी को पसंद करने वाली बात हमने जरूर सुनी। This leads me to draw only two conclusions. Conclusion number one, the Argentinian woman did praise Modi, but ABP didn't actually show the bite. What a missed opportunity, ABP. If you had actually had that bite, it would have been prime time news. Second conclusion, the Argentinian woman just talked about this man. And ABP thought, chalo hum ghuser dete hain Modi ji ko. Ghusne mein kya hai? After all, who better than this man to club with Gandhi? After all, this man's party gave a ticket to this woman who glorified the killer of this man. हम समरकंद पहुंच गए, हम बात करेंगे कुछ पर्यटकों से, हम देश की बात करेंगे, हम भारत की बात करेंगे।
Do you know about India? Yes, I do. Yes, I do. What do you like about India? मुझे इंडिया बहुत पसंद है, especially the national bird, the peacock. More? ये देखिए, मोर का लड़का बच चुका है यहाँ पे लोग बोल रहे हैं मोदी पसंद है, मोर पसंद है, people love the more, ये दिल मांगे मोर, मोदी. The SCO summit is very important for India and its diplomatic relations in Central Asia. Now, North Korea is not part of Central Asia, but North Korean media ki kami hamari puri media puri kar rahi hai. Rule number 2. Opposition hi hi. Dhawa! On the opposition obviously. This brings us to Yadav ji's rule number 2. Modi yogi ki praise se ji bhar jaye. Bhule bhatke journalism ka man kare. थोड़ी सी खुदली हुई जर्नलिज्म करने की तो आप सीधा राहुल के पास जाएं, अखिलेश के पास जाएं, ममता के पास जाएं, उनकी बैंड बजाएं, उनसे सवाल पूछें, ममता से सवाल पूछें। नो स्पेस फॉर डिसेंट बट डर धमकी डंडा इन दीदीज लैंड दैट्स द क्वेश्चन एंड दैट्स द डिबेट लोकतंत्र पे लाठी दैट्स द हैशटैग एंड द डिबेट ऑन द अदर तो भ्रष्टाचार का दाग और इसके बाद बंगाल में आग So the right to protest is central to democracy. That way, when so-called farmers, backed by political groups, funded by them, block the highways, then the TMC defends their decision and says, no, 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 right to protest is a must in a democracy. But what happens in Bengal when political opponents want to march? Just march. Simply march. Peacefully march. Just march. Simply march, peacefully march. BJP's protest rally turned violent this week. While the cops lathi charged protesters, there were also visuals of BJP workers setting a police vehicle on fire. ये वीडियो प्राइम टाइम पे थोड़ा हम दिखाएंगे. क्या बात कर रहे हो? ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी. टाइम्स नाउ देख रहे हैं या NDTV? बीजेपी नेता कुर्ता कवर्ड इन मड स्वपन दास गुप्ता कवर्ड इन मड सो सैड इतना पुलिस वायलेंस ए रॉन्ग पिक वी आर टॉकिंग अबाउट कोलकाता पुलिस नॉट दिल्ली पुलिस टाइम्स नाउ व्हाट लुचियंस मेंटालिटी यू कुड हैव शोन ग्रासरूट्स बीजेपी लीडर लाइक एक्स डेप्यूटी मेयर मीना देवी पुरोहित हु वाज एक्चुअली इंजर्ड बाय द पुलिस इंस्टेड ऑफ स्वपन दास गुप्ता कवर्ड इन मड Of course, don't show any violence by BJP karyakartas. That won't work. Things got so obvious that a TMC spokesperson finally started showing the video on Times Now. Kisi ne BJP walon ka danga karte hue video kya dikhaya? Chot seedha ANI editor ko lagi. This is ridiculous that he has a parallel broadcast going on the channel while you are not the editor, Riju, to decide what goes on Times Now. How can you run this? Just because nobody is stopping you, people are being courteous, doesn't mean you run a parallel broadcast. This is where we are. Of course, you can't condone police high-handedness and the Kolkata High Court has legitimately asked for a probe into this. But these are the very same channels and anchors and panelists who, when protests break out in BJP-governed states, want protesters in jail, chahe violence ho ya na ho. All of us know today ki agar in sajjan ke haath mein TMC ka jhanda hota, to kya hota? Anti-nationals on the rampage again. When will we see bulldozer action? We want bulldozer action on these protesters. Of course, they've all been funded by ISI, Pakistan. Protest jihad! Rule number 3. Demonize those Muslims. Now, this is the most important thing that Anil Yadav said. Let's listen to it again. Sirf Musalman. Musalman se related story lao. Muslim ilaqo mein jao. Muslim scholar, Muslim vidwan, Muslim celebrities se baat karo. Kuch bhi baat hai to unse bulwao. Muslim logo se kuch bhi bulwao. Kuch bhi controversial nikalwao maulanaon se. Bachchon ko bhi mat chhodo. Anil actually followed this diktat from what it seems. मुझसे कहा गया था कि अच्छे मदरसे में नहीं जाना है जो बिल्कुल थके हुए मदरसे हैं बिल्कुल फालतू के जहां हम जैसे टूटे फूटे वहां जाना है वहां से दिखाना है तो मदरसे मैंने ढूंढे भाई नौकरी करनी है तो करना ही पड़ेगा प्रधानमंत्री कौन है हमारे नहीं पता है नहीं पता नरेंद्र मोदी जी हैं मुख्यमंत्री कौन है पता है योगी
योगी आदित्यनाथ जी हैं, भारत का कैपिटल क्या है, भारत की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? नहीं पता है। नाम क्या है हमारे प्रधानमंत्री का? हाँ, दुनिया के सबसे बड़े नेता हो गए तो पूरी दुनिया में उनका नाम जाना जाता है। प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है बेटा? पीएम मोदी। पूरा नहीं, थोड़ा सा बता ले गई है। अनिल डिड फॉलो द ऑर्डर्स इट सीम्स, बट इट्स ऑल्सो क्लियर दैट ही इज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद व्हाट ही इज डूइंग। He tries his best to tell his audience that the problem with madrasas are probably structural. कितनी सैलरी मिलती है आपको? हमें 2-3 हज़ार। 3 हज़ार मैनेजमेंट हम ही संभालते पूरा जी। 2-3 हज़ार में हम ये इमेजिन करें कि आइंस्टीन यहाँ के पढ़ाएंगे तो ये भी संभव नहीं है। जी जी सही। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। संसाधन बहुत कम है, टीचर्स को 1,000-2,000-2,400-2,500 की सैलरी मिल रही है, तो जाहिर बात है कि जैसे संसाधन वैसी शिक्षा। अनिल's conscience was probably a little pricked, but that can't be said for this News Nation report. थोड़ा सा आपके ज्ञान का परीक्षा लेंगे, ये बताइए राष्ट्रपति का नाम पता है आप? जी, राष्ट्रपति का नाम जनाब श्री नरेंद्र मोदी साहब। राष्ट्रपति का नाम जनाब श्री योगी आदित्यनाथ साहब। राष्ट्रपति का नाम राष्ट्रपति जानते हैं कौन होता है? प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी साहब। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जनाब श्री योगी आदित्यनाथ साहब। अच्छा जी, और क्या क्या आपको जिलाधिकारी कौन है आपके जिले के पता है? नहीं पता। एसएसपी कौन है? नहीं पता। ये सब चीजें जीके की चीजें नहीं बताई जाती है यार। राष्ट्रपति का नाम तो आलिया भट्ट को भी नहीं पता था, तो ये तो बच्चे हैं। रही बात जीके की, तो इट्स नॉट लाइक प्राइम टाइम एंकर्स आर पासिंग दैट टेस्ट विद फ्लाइंग कलर्स। मोहनचंद करमचंद गांधी, महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं। मोहनचंद करमचंद पारी तो वो होंगे भाई साहब। नाम ठीक से लीजिए, आपको नाम भी नहीं पता। रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर है। नाम ठीक से लीजिए, कम से कम लीजिए ठीक से नाम। नहीं साहब, उनका नाम रविंद्रनाथ ठाकुर है, टैगोर तो ब्रिटिश बोलते थे। मैं वही कह रहा हूँ, उनका नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। सुधांशु त्रिवेदी जुड़ गए हैं, पर वो तो टैगोर ब्रिटिश लोग बोलते थे। हमने एक ऐसा जनरल खो दिया है जो थिंकिंग जनरल था, उस सब के फोर फ्रंट पे जनरल वीपी सिंह थे। इफ यू बिलीव इन इफ यू नो इन एन आफ्टर लाइफ, देन टुडे इमेजिन द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल द लेट बुद्धदेव दास गुप्ता। आज तक फॉलोड द सेम प्लेबुक एज न्यूज नेशन। नेशनल एंथम आता है? नहीं आता है, थोड़ा सा भी नहीं। जनगण मन आता है? जनगण मन आता है, सुनाइए। नहीं आता। आपको जनगण मन आता है? इन लोगों से सरकार से सवाल करने की हिम्मत बने नहीं बनती, लेकिन छोटे बच्चों से सवाल पूछने में ये नंबर वन आगे रहते हैं। बाय द वे, गेस हु एल्स हैज बीन अनएबल टू सिंग द नेशनल एंथम? We all know why little kids were asked if they knew the national anthem or not. The reason why this was done is not lost on any sensible person. Now it could be that these children were nervous. Possibly they don't remember the national anthem like possibly many other underprivileged kids in government schools across India. Forget the national anthem. A November 2021 report says that the number of students in class 2, 3 and class 6 who cannot recognize even letters of the alphabet has doubled. This means many children are going to school, but they're not learning. The proportion of children who cannot recognize even single digit numbers has doubled. Only 4.3% of children in class 5 are able to do basic division. But Gaurav Sawant will never ever hold a discussion on this, because you can find kids wearing a skull cap and then give them the national anthem test. Now, the functioning of government-aided madrasas, private madrasas and government schools have to be improved. But that discussion doesn't fit in the Hindu-Muslim playbook. So, chodo. Maulanaon ko bulwao. Maulana jo bol rahe hain, unpe ek-ek ghante ke show karo. Aur jab maulanaon se ji bhar jaye, to sadhvi prachi to hai hi.
जिन्होंने इतना सुंदर फैसला आज पूरे देश को प्रफुल्लित कर दिया, आज उसको सुनकर के इनके पेट में पेचिस लग गई है। पेचिस, हिंदी दिवस वीक में लर्न अ न्यू वर्ड। पेचिस इज इक्वल टू लूज मोशन इज इक्वल टू डायरिया, जिसका वर्बल फॉर्म का साक्षात रूप है साध्वी प्राची। आई डोंट वांट टू कॉल हर साध्वी बिकॉज अनलाइक अमीश आई स्टिल हैव सम रिस्पेक्ट फॉर दैट वर्ड। साध्वी जी धर्म की जानकारी अच्छा देती है, साध्वी जी सनातन धर्म की जानकारी बहुत अच्छा दे देती है। आप सनातन धर्म के बारे में अगर जानना चाहते हैं, उसके बारे में शिक्षा दीक्षा और ज्ञान वर्धन करना चाहते हैं तो साध्वी जी बताएंगे। क्योंकि धर्म की बात, कर्म की बात, धर्म की बात, कर्म की बात, कर्म और कांड की बात या तो स्वामी दीपांकर अच्छा बता सकते हैं या साध्वी प्राची बता सकते हैं। धर्म की बात, ज्ञान की बात, सनातन धर्म पे ज्ञान वर्धन करना है तो प्राची को सुनिए। क्या कह गई साध्वी प्राची? यहाँ पर संकल्प लेकर के जाना है, अगर आपकी एक बेटी उठाते हैं तो कम से कम 1000 बेटियों की लाइन लगा दो, मैं कहती हूँ, और उनके मोहल्ले में घुस जाओ, बहू लेकर के आओ। व्हाट ज्ञान, वाह वाह। आगे सुनिए हाउ टू मेक अ खान मुक्त देश। ये बहुत शर्म की बात है शाहरुख खान को जो इस तरह की बयानबाजी करके हिंदुस्तान की छवि खराब कर रहे हैं, और मैं समझती जो इस तरह की बात करते हैं वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, निश्चित रूप से वो पाकिस्तानी एजेंट। मैं निवेदन करूंगी बजरंगियों, जिनके घरों में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन्होंने जो हमारी घरों की दीवारों को लपेट रखा है, इन सबको उतार करके उनकी होली जला दो। सनातन धर्म की और बड़ी बड़ी बातें, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनने से कैसे बचाएं? ये जो 35-40 पिल्ले पैदा करते हैं ना, ये लव जिहाद फैला रहे हैं, ये इस तरह की घोषणा करके हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, 35-40 बच्चे पैदा करके। लेकिन आज की जो जरूरत है वो मैं समझती हूँ कि वो जरूरत है कि हिंदुस्तान को मुस्लिम मुक्त भारत करने के लिए हमें काम करना चाहिए और हम काम कर रहे हैं। छोड़ो यार, बहुत हो गया ज्ञान व्यान, लेट्स गेट टू सम कैजुअल बैलेंस। जो गौ के गौ मांस खाने वाले उनके साथ यही हसर होना चाहिए। प्राची का पॉइजन, स्क्रैप दैट, लेट्स कॉल इट प्राची की पेचिस। प्राची की पेचिस इतनी खतरनाक है कि वीएचपी ने भी हाथ धो लिया, बोला कि भाई हमसे ना हो पाएगा, प्राची और हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस हेट मॉन्गर का कोई नहीं है, उस हेट मॉन्गर का टीवी न्यूज है। टीवी न्यूज की दुनिया में पॉइजनस प्राची की हमेशा जगह बनी रहेगी। कितने खुश हैं आप? नंदी जी से गुफ्तगू करके आई हूँ। कान में बोला है कुछ? क्या क्या कहा है? कि नंदी जी जरा उधर मुंह है आपका, हाँ। जल्दी से खाली कराओ। आज तक दैट इज प्लेटफॉर्मिंग प्राची टुडे इज द सेम चैनल दैट प्रीवियसली कॉल्ड आउट हर हेटफुल कॉमेंट्स। दिस इज गोल्ड स्टैंडर्ड जर्नलिज्म फ्रॉम 2016। गोमांस पर ही एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, साध्वी प्राची ने एक विवादित बयान दिया है, और साध्वी प्राची के विवादित बोल एक बार फिर से सामने आए हैं, जिसमें साध्वी प्राची ने कहा है कि बीफ खाने वालों का यही हश्र होगा। ये बेहद गंभीर बयान आया है साध्वी प्राची की तरफ से। Back in 2016, the Quint did a report asking news channels why they give airtime to someone like Prachi. The response was very predictable to say the least. The fact is, it's easy to do a Sadhvi Prachi story. There isn't much explaining to do. A simple quote or a soundbite and cursory expression of outrage does it. Evidently, nothing has changed in 2022. Every week, every other night, television news channels and their prime time anchors are telling us, Hinduon ka apmaan nahi sahenge, हिंदू धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा अपमान ये चैनल्स खुद कर रहे हैं जो प्राची टाइप लोगों को हिंदू धर्म का मैस्कॉट बताते हैं। शी इज ऑब्जेक्टिफाइड मुस्लिम वुमेन इन द वर्स्ट पॉसिबल वे, स्प्यूड वेनम अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड कॉल्ड फॉर रियल वर्ल्ड वायलेंस, बट ऑन टेलीविजन न्यूज चैनल्स शी विल बी कॉल्ड ऑन एज अ सनातन धर्म गुरु, जस्ट लाइक दिस गाय इज एन इस्लामिक स्कॉलर। अरे मैं मौलाना ही हूँ ही नहीं। अच्छा मौलाना नहीं, ये तो टीवी वाला मौलाना हूँ मैं, लेकिन मैं मौलाना नहीं हूँ, ये बात सुन लो। मैं अच्छा ठीक है, चलिए इसी चैनल में मैं बोल चुका हूँ, ठीक है। हाँ, टीवी वाले जबरदस्ती इस्लामी लास्ट वीक द लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क ऑफ ब्रिटेन बिड अलविदा टू दिस वर्ल्ड एट 96।
the queen died peacefully in her bed at Balmoral Castle. With the queen no more, you had the Indian state on one end and the Indian Twitter on the other. While the state was in official mourning, Twitter ke haal kuch aur hi the. There was also this. ये सब देख के टीवी न्यूज वॉज लाइक अरे हम क्यों पीछे रहे. वी लीव यू विद सम ऑफ आवर फेवरेट क्लिप्स एंड फेवरेट थंबनेल्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेलीविजन न्यूज दैट गेव मीम मेकर्स ऑन ट्विटर अ रन फॉर देयर मनी. एंजॉय. दैट्स ऑल द टीवी न्यूज़ेस वी हैव फॉर यू दिस वीक. वी विल बी बैक नेक्स्ट वीक. अंटिल देन स्टे मैड, स्टे विजिलेंट एंड रिकग्नाइज द गेम दैट्स बींग प्लेड इन द नेम ऑफ न्यूज ऑन टीवी न्यूज. एक थी रानी, खत्म कहानी. बाय बाय महारानी. बल्कि एलिजाबेथ तो चुलबुली, शरारती और मजाकिया इंसान. एलिजाबेथ को खाने में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा नापसंद थी तो वो था लहसुन. अलविदा एलिजाबेथ. अब कोई नूर दूर नहीं. उनके पर्स में सिर्फ लिपस्टिक, मेकअप का कुछ सामान और उनका चश्मा होता था. महारानी चश्मे का इस्तेमाल केवल कुछ पढ़ने के वक्त ही करती थी. उन्हें श्रिम्प भी बहुत पसंद था, जिसे एक सीक्रेट मक्खन में पकाया और मैरिनेट किया जाता था. फिर महारानी उस श्रिम्प को गर्म टोस्ट के साथ खाती थी. भारत को कोहिनूर दिलाएंगे मोदी. कोहिनूर की होगी घर वापसी. सर डोगरा सर, प्रिंस चार्ल्स ऑटोमेटिकली शासक हो जाएंगे या ब्रिटेन के राजा हो जाएंगे या महारानी एलिजाबेथ की जगह ले लेंगे? क्या हम उन्हें क्वीन चार्ल्स कहना शुरू कर देंगे? क्वीन चार्ल्स कहना शुरू कर देंगे. क्वीन चार्ल्स, ये क्या वाहियात क्वेश्चन है सैयद. इंग्लिश नहीं आती तुम्हें? डिड यू स्टडी इन द मदरसा दैट आज तक वेंट टू?